गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट द मेजरमेंट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट आई एम सेइंग, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल भी आपको इससे आते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर ये चैप्टर तभी ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर आप देख चुके होंगे. अगर पहला पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद सारे चैनल्स को आप सारे वीडियोस को इकोनॉमिक्स क्लास 12th के सारे वीडियोस को आप लाइन से स्टेप वाइज देख सकते हैं. ठीक है ना. सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो क्या है, द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो देयर आर थ्री मेथड्स व्हाट एवर वी हैव टू स्टडीज. पहला क्या है, परसेंटेज मेथड. मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है. ओके, क्या है परसेंटेज मेथड जो आपकी स्क्रीन पर है. दूसरा हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. क्या है परसेंटेज मेथड. दूसरा क्या है, सेकंड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. क्या है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, पहला क्या है परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड तीसरा क्या है, थर्ड है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. तीसरा क्या है पॉइंट मेथड, और इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड तीसरे को कहते हैं. ठीक है ना, तो पहला मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तीसरा फिर अकॉर्डिंगली आगे ये वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या है परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड में क्या है, क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. हम कैसे इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं. हाउ वी मेज़र द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू परसेंटेज मेथड. गेटिंग यू ऑल आर, सो सी हियर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर्ड बाई द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्या कह रहा है कि मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब ये परसेंटेज के फॉर्म में, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. क्लियर ना, तो क्या है मतलब ये कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है, कितना परसेंट प्राइस के चेंज होने से आपके डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इसी को हम निकालते हैं. क्या कहते हैं परसेंटेज मेथड कहते हैं. मतलब क्या मैंने बोला कि कितना परसेंट, जैसे कितना परसेंटेज आपके क्या हो रहा है प्राइस में चेंज आ रहा है इन रेफरेंस टू द प्राइस, उसके कंपेयर में कितना परसेंट आपका डिमांड में चेंज आ रहा है. ठीक है ना, इसी चीज़ को हम निकालते हैं. क्या कहते हैं हम, तो परसेंटेज मेथड कहते हैं. ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, इफ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, व्हाट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कम्स, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो इसको देखते हैं. क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है. इसको डायरेक्टली हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो प्राइस इलास्टिसिटी, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. इसी फॉर्मूले को आप तो ये डेफिनेशन के साथ इसको लिख देंगे
आपको अगर 2 मार्क्स में आता है कि वॉट आर द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मैथड ऑफ प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप 2 नंबर ईजिली वेब में पा जाएंगे। अच्छा, कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे करेंगे न्यूमेरिकल को, आइए देखते हैं कैसे एक खुशी हम न्यूमेरिकल को इसमें करते हैं। ओके, डेल्टा क्यू क्या है? सबसे पहले देखेंगे इट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा पी क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड पी बाई प्राइस एंड क्वांटिटी, प्री पी इक्वल टू प्राइस की फॉर क्वांटिटी, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइए देखते हैं क्या है। तो आप कैसे इस चेंज को निकालेंगे, सबसे पहले आप डेल्टा क्यू को कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया डेल्टा क्यू, इसको ध्यान रखे रहिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये मेरा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे अच्छे से क्या है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है, तो आप डेल्टा क्यू निकल जाएगा। ओके, अच्छा इसी तरीके से फिर आपका डेल्टा पी निकालना हो तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा पी मतलब कितना चेंज आ रहा है अपॉन पी इंटू 100, ठीक है ना, तो ये 100 लगाने से परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा, आपको आपका निकल जाएगा डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। समझ में आ रही है बात मेरी, क्या डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, आप डेल्टा क्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, और डेल्टा पी आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छी, क्लियर, अब देखते हैं, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के चला आएगा। आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूला मेरा, क्या है, मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला बोला, अब देखिए क्या है फॉर्मूला, तो मैंने इस फॉर्मूले को आपके लिए लिखा क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। तो हम कहेंगे इसको क्वालिफिक, जब चेंज इन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, 100 से 100 कट गया। ओके, अब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, पी यहाँ चला जाएगा और क्यू यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, तो हो जाएगा क्या, डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो तक तक, तो ये इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, नहीं ये यहाँ चलाएगा डेल्टा पी और ये डेल्टा क्यू, तो अब देखिए क्या हो, इसको फिर ये इधर चलाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो होगा क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो इसी फॉर्मूले को हम फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना, तो अच्छा अब इसमें हमने पढ़ा था क्या, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पूरा अच्छे से एक लेक्चर है, अब जाके इसको, इस लेक्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको ये क्लियर होना चाहिए आपको। अच्छा आइए देखते हैं, तो डिग्री ऑफ क्या होता है, कौन कौन सी डिग्री होती है, कौन कौन सी डिग्री होती है, सबसे पहले क्या मान लीजिए क्या होता है, सबसे पहले डिग्री कोई बताए, नहीं चलो तो हम बताते हैं, पहला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी की, सबसे पहले डिग्री इनफाइनाइट होती है, ठीक है, फिर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी की इज ग्रेटर देन 1 हो गया, इलास्टिसिटी जब 1 से ज़्यादा रहती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 1, फिर प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल 1 हो जाती है, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाती है, और फिर क्या हो जाती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये 5 डिग्रियाँ आपको याद होनी चाहिए, क्या पहला केस, दूसरा केस, थर्ड केस, फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस, ये 5 डिग्रियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया परसेंटेज मेथड का, ठीक है, वट एवर फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू ऑफ द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इस मेथड का जो फॉर्मूला बताया,
अब इसमें जो भी आता है, जो जो मतलब क्या, मतलब एक से अगर अधिक आता है तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन। मतलब क्या है वो, किस कैटेगरी में आ जाएगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन की कैटेगरी में आ जाएगा तो ये परफेक्टली इलास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है ना, इलास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जब लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा तब क्या होगा, लेस देन वन होगा तब क्या होगा, इन इलास्टिक की कैटेगरी में आएगा। इलास्टिक हो जाएगा फिर कब होगा, जब मोर देन वन होगा, और इन इलास्टिक होगा कब, जब लेस देन वन होगा। अच्छा ई पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब वहाँ पे क्वांटिटी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ होगी क्या, यूनिटरी इलास्टिक होगी। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है ई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये पूरा इसका सिनेरियो है। अगर छः नंबर में आता है या कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा थीरी बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं आपको इन सब सारी चीज़ों को भाई एज ए आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, ऑल डिग्रीज अगर जो भी आएगा उसके बाद आप उसको, उस डिग्री को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप लिख देंगे। क्लियर, एनी डाउट एनीवन? सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।